मुझे ऐसा लगता है, सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी की कुंठा है देश के पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ, नेहरू के खिलाफ, उनको यह समझना चाहिए कि इतिहास जो है वो इरादों से बनता है। नेहरू वो पत्थर पे लिखी इबारत है जिनको नहीं मिटाया जा सकता है। आप बार बार नेहरू को मिटाने का जब प्रयास करते हैं तो आप और बौने नजर आते हैं। आप नेहरू को मिटाइएगा, कौन है नेहरू? वो नेहरू जो 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद आपकी तरह रोना नहीं रोते थे और जिन्होंने IIT, एम्स, बार्क, इसरो जैसे संस्थान खड़े कर दिए, भाखड़ा नंगल जैसे डैम बनाए, सपना दिखाया इस देश को कि आप हौसला रख सकते हैं विश्व में एक शक्ति होने का। वो नेहरू जिसने अमेरिका और रूस की आंख में आंख डालने के बावजूद भी इस देश का रास्ता खुद तय होगा ये तय किया। वो नेहरू जो कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं आपका सेवक हूं। वो नेहरू जो आइंस्टाइन से और एक ग्रामीण व्यक्ति से उतनी ही गहराई से बात कर सकते थे। वो नेहरू जिन्होंने इस देश को ऐसी संस्थाएं दी, जिन्होंने हमें एक मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी बनाया। किस नेहरू से आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? आपको नेहरू से कुंठा हो सकती है, आपको नेहरू से दिक्कतें हो सकती है, लेकिन इतिहास बदल कर देश का आप एक नया इतिहास नहीं रच सकते। आपको आज काम करने की जरूरत है, क्योंकि यह भी सच है कि 10 साल आपके कार्यकाल के पूरे होने वाले हैं, आप इतिहास के पन्नों में जाने वाले हैं और इतिहास आपको एक डरपोक कायर तानाशाह की तरह ही याद करेगा, चाहे आप नेहरू का कितना भी नाम मिटाने की कोशिश कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को वही संस्थाएं, वही खेल पुरस्कार, वही संग्रहालय नजर आते हैं जिसमें नेहरू या राजीव गांधी का नाम होता है। अगर ये राजनीतिक कुंठा एक बौनी उच्छिद्र राजनीति नहीं है तो ये क्या है? आप नई संस्थाएं बनाइए। हम तो पूछते हैं मोदी जी से, आपने 10 साल में ऐसा क्या कर गुजारा कि देश आपको याद करे? आपने कौन सी एक ऐसी संस्था बनाई? ये अलग बात है कि आपने दुनिया की सबसे बड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की स्थापना इस देश में करी, सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री बनाई। आप एक संस्था का नाम बताइए ना जिससे इतिहास आपको साक्षी माने। आपने तो पार्लियामेंट तक को अपने स्वांग के लिए रच डाला। आपने तो पार्लियामेंट तक के लोकतंत्र को खत्म करके, राष्ट्रपति को बाहर करके, बेटियों को बाहर पिटवाकर वहां अपना राज्याभिषेक कराया। आप एक संस्था का नाम बताइए। हर बार वही नाम क्यों चेंज होता है जहां पर नेहरू जी का नाम हो या राजीव जी का? राजीव खेल रत्न अवार्ड चेंज करके आपको क्या मिला? आपने सिर्फ यह दिखाया कि आप द्वेष और कुंठा की राजनीति करते हैं। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now.